नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो भूषण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न या राशि को गुरु और राहु का जो चांडाल योग हुआ है, जो 22 अप्रैल से शुरू हुआ है और वो 30 अक्टूबर तक होने वाला है। तो इस योग के कर्क राशि या लग्न को क्या इफेक्ट होने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए। गुरु राहु चांडाल योग में एक्चुअल क्या इफेक्ट होने वाले, उसका एक ब्रीफ वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप एक बार देख लीजिए। और आपको आपकी कुंडली क्या है, कैसी है, आपको पता नहीं है तो आप मेरा वीडियो देखिए, कुंडली कैसे देखिए। तो ये सब चीज़ों को आज जो मैं बताने वाला आप अच्छी तरह से रिलेट कर पाओ। वो दोनों वीडियो देखने के बाद आप इसे देखोगे तो आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो कर्क राशि या लग्न, इनके लिए ये इफेक्ट होने वाला है दशम भाव में, 10th हाउस, जो कि आपका कर्म स्थान है। तो आपके कर्म स्थान में ये बहुत बड़ा इफेक्ट होने जा रहा है। यहाँ पे अकेला गुरु बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वो राहु के साथ है, ये अच्छी बात नहीं है। कर्म स्थान से रिलेटेड चीज़ों में आपको ये निगेटिव इफेक्ट्स दे सकता है। सबसे पहले ये होगा कि आप उन चीज़ों में उलझने की कोशिश करोगे जो आज तक आपने की नहीं है। तो आपको आपकी जॉब को संभाल के चलना है, जो चल रहा है उसको आपको संभाल के इस टाइम के साथ निकल जाना है। ये टाइम जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपके लिए काफ़ी अच्छा है, जब वहाँ से राहु हट के अकेला गुरु वहां पे रह जाएगा तो वो कर्मस्थान में आपको बहुत ग्रोथ देगा। अब गुरु राहु का ये जो योग हो रहा है, ये हो रहा है आपका नवम भाव और एकादश भाव के बीच में। तो नवम भाव जो है वो आपका भाग्य का स्थान है और एकादश भाव है वो लक्ष्मी स्थान है, आपका इनकम का स्थान है। इन दोनों के बीच में आपका कर्म स्थान में ये इफेक्ट हो रहा है। तो आपको ये होगा कि नवम भाव जो है उसका मालिक है आपका गुरु, तो भाग्य भाव का मालिक गुरु है और वो अभी आ रहा है चांडाल योग में। तो आपको भाग्य से जो सपोर्ट मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा और ये योग हो रहा है कर्म में, तो आपको मेहनत अपनी दुगनी करनी पड़ेगी। तो भाग्य का सपोर्ट के बगैर आप मेहनत से अभी आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, भाग्य का सपोर्ट से आप अभी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप भाग्य भरोसे रहोगे तो वो आपके लिए निगेटिव रहेगा। अभी आप कर्म पे भरोसा कीजिए तो आपको कर्म से ही आपके जो लक्ष्मी में आपकी वृद्धि होने वाली है, इनकम में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। उसके बाद अभी हम दृष्टियों की बात करते हैं। यहाँ से एक दृष्टि हो रही है, पांचवी दृष्टि जो हो रही है गुरु और राहु की, वो आपके सेकंड हाउस पे हो रही है। सेकंड हाउस जो आपका कुटुंब का स्थान है, कहीं ना कहीं आप आपके कुटुंब से, आपके फैमिली मेंबर से दूर जा सकते हैं। रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, कहीं आपको जॉब के लिए जाना पड़ सकता है, कहीं आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, कहीं आपके लाइफ पार्टनर जो है उनको जॉब के लिए कहीं दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। अगर ये सब ना हो तो कुछ वैचारिक दूरियाँ हो सकती है, ये आप संभल के, मतलब ये आप समझ के चलिए। 10th हाउस भी आपका पिता का भी स्थान है, तो पिता के भी, उनका भी जो करियर है उसमें कुछ ऊंच नीच हो सकती है, उनके हेल्थ इश्यूज कुछ आ सकते हैं, तो उस जगह पे आपको प्रॉपर क्योर, प्रॉपर डॉक्टर्स के साथ सलाह लेके आपको आगे बढ़ना है। और एक दृष्टि हो रही है 4th हाउस में, जो कि आपके माता का स्थान है, तो माता के साथ भी हेल्थ इश्यूज कुछ आ सकते हैं, सडनली आ सकते हैं, आप थोड़ा उसके लिए प्रिपेयर रहिए। आपको अच्छे डॉक्टर्स की मतलब सलाह लेनी है और उसमें प्रॉपर डायग्नोस, प्रॉपर क्योर भी आपको मिलेगा। वहाँ पे आपका वो घर का भी स्थान है, आपके मकान का है, आपका सुख भाव है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे हर्डल आ सकती है। सबसे पहले तो आपको अभी इस टाइमिंग में कोई नए मकान, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना है। आप करोगे भी या कुछ भी, आप सपोज आप घर का रिनोवेशन ही प्लान करते हैं तो आपका वहाँ पे आपको निगेटिव इफेक्ट्स यानी ऐसे आ सकते हैं कि आपने जो टाइम पीरियड, टाइम फ्रेज जो पकड़ा है
कि इस टाइमिंग में ये हो जाएगा, वो शायद उसने टाइमिंग में ना हो पाए। आपने एक बजट कंसिडर किया कि शायद 40,000 50,000 में ये हो जाए, वो एस्टिमेट आपका बढ़ सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको इस टाइमिंग में हो सकती है। उसके बाद एक दृष्टि जो है नवम दृष्टि, वो आपके सिक्स्थ हाउस पे हो रही है। ये आपका जॉब का स्थान है, रोग रुण शत्रु का स्थान है। सर आपको जॉब में कोई परिवर्तन के लिए अभी बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। ये होने वाला है क्योंकि वहाँ पे नाइन नंबर लिखा है, उसका स्वामी भी जो है उसका लॉर्ड गुरु है और वो सिक्स हाउस में बैठा हुआ है और वो आ रहा है चांडाल योग, तो आपके डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं। इसलिए आपको जॉब को बस टाइम निकाल लेना है। आपके शत्रु सडनली सामने आ सकते हैं, निगेटिव चीज़ें आपके सामने आ सकती है। वर्क फ्रंट पे आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे या कर सकते हैं कि लोग आपके बारे में, लोगों के साथ आपकी एक अनबन चालू हो गई है, या जिनको आप अपना समझते थे वो आपको समझ में आ रहा है, रियलिटी सामने आ रही है कि नहीं, ये अपने नहीं है। इस तरह की कुछ, ये टाइम का इफेक्ट है। वो सही में आपके है या नहीं है वो आपके खुद के डिसीजन, आपको खुद को एक फिल्टर लगा के वो चेक करना है कि ये सही में आप, आपकी टेस्ट लीजिए, वो सही में आपके नहीं है वो आपको पता चलेगा। बट ये टाइम इफेक्ट में आपको ऐसा रियलाइज होगा कि ये मेरे नहीं है या मैं इनको अपना समझता था। इस तरह के कुछ रिजल्ट्स आपको दिख सकते हैं। तो जॉब में आपको बहुत संभल के चलना है। ये टाइमिंग में कोई नई जॉब में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे आपका ये टेंथ हाउस में यानी प्रोफेशन वाले स्थान में, कर्म स्थान में हो रहा है। षष्ठ भाव जहाँ से हम जॉब को देखते हैं उसका मालिक भी है गुरु, और वो टेंथ हाउस में राहु के साथ चांडाल योग में आ रहा है। तो डेफिनेटली आपको कर्म स्थान से रिलेटेड कोई नई जॉब या नए सेक्टर में आपको उलझना नहीं है। जिस चीज़ में आज तक आपने इन्वॉल्व नहीं हुए उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। भले 30 अक्टूबर के बाद आपके लिए समय अच्छा है। पिता के लिए आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, उनकी हेल्थ इश्यूज़ को इग्नोर नहीं करना है, उसमें जल्दी से आपको मतलब अच्छे डॉक्टर्स की सलाह लेनी है। क्योंकि नाइन्थ हाउस से भी हम पिता को देखते, उसका भी स्वामी गुरु है और टेंथ में भी ये योग ही हो रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयर करना है। बाकी इसमें रिमेडी जो जो चीज़ों में मैंने संभल के रहने को कहा है उसमें आपको संभल के रहना है। चार लोगों के ओपिनियन लेने के बाद कोई कंक्लूजन पे आना है। और दूसरी रिमेडी है महादेव के शरण में रहिए, आपको वो बेनिफिट देगा। महादेव आपके लिए एक सुरक्षा कवच आपको रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी और चीज़ें हम आगे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।